नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टॉप बेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सबसे अमीर बॉलीवुड एक्टर्स पर नजर डालने जा रहे हैं, जहां से वे इस मोटी रकम कमा रहे हैं और देखते हैं कि वे अपने सारे पैसे क्या कर रहे हैं। नंबर 10, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय 1994 में मिस वर्ल्ड बनी है, जिन्होंने अपनी लुभावनी सुंदरता और बहुमुखी अभिनय से न केवल बॉलीवुड बल्कि दुनिया को दो दशकों से अधिक समय तक फिल्म इंडस्ट्री में शासन किया है। ऐश्वर्या राय की नेटवर्थ 220 करोड़ है। राय को भारत में डीबीएस हीरे के लिए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर भी नामित किया गया था और उनकी प्रतिदिन लगभग 5 से 6 करोड़ रुपये का ब्रांड एंडोर्समेंट मूल्य है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक ऐश्वर्या एक अंगूठी की स्वामिनी है जिसकी कीमत 70 लाख रुपए है। मर्सिडीज बेंच S500, बेंटल CGT, सैंक्चुअरी फॉल्स, दुबई में एक विला और बांद्रा में एक अपार्टमेंट है। ऐश्वर्या ने 2007 में अभिनेता, निर्माता और टेलीविजन प्रस्तोता अभिषेक बच्चन से शादी की। बच्चन एक बड़े भारतीय परिवार से हैं, जिनमें से कई सदस्य भारतीय फिल्म उद्योग का हिस्सा रहे हैं। नंबर 9, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर को हिंदी फिल्म सांवरिया में पहली सफलता मिली। वर्ष 2007 में उनकी कुल संपत्ति 322 करोड़ है। श्री कपूर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अपनी फिल्मों के लिए विभिन्न फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। रणबीर की फिल्में न केवल हिट रहीं बल्कि वह बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई की। वर्ष 2013 में उनकी फिल्म ये जवानी है दीवानी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई है। रणबीर कपूर ने प्रति फिल्म में 18 से 20 करोड़ से अधिक का लाभ कमाया है। वह ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 5 करोड़ रुपए लेते हैं। संजू में उनके प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि वह लंबे समय से बॉलीवुड में हैं। नंबर 8, अनुष्का शर्मा। मस्तिष्क के साथ सुंदरता पाए जाने वाले ये अभिनेत्री ने प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली से शादी की है और दोनों सबसे शक्तिशाली सेलिब्रिटी जोड़ों में से एक है। अनुष्का शर्मा की नेटवर्थ 350 करोड़ है। वह ब्रू कॉफी, टीवीएस स्कूटी, नेविया, पैंटीन और इले 18 सौंदर्य प्रसाधनों की ब्रांड एम्बेसडर है। अभिनेत्री नुशा नाम से अपना फैशन लेबल भी रखती हैं। तो टॉप बेस्ट इंडिया से हमारे अन्य वीडियो देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 7, सैफ अली खान। कुछ अभिनेता चांदी के चम्मच के साथ पैदा होते हैं और ऐसे ही एक अभिनेता है श्री सैफ अली खान, जिन्हें पटौड़ी के नवाब के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका नेटवर्थ 1120 करोड़ रुपए हैं। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट, फिल्मों और व्यक्तिगत निवेश से आता है। उनकी फिल्मों के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 6 फिल्मफेयर और पद्मश्री जैसे कई पुरस्कार मिले हैं। सैफ अली खान के नेटवर्थ का प्रमुख हिस्सा अपनी पैतृक संपत्ति से आता है। सैफ अली खान द्वारा अपने पिता के विरासत में मिली संपत्ति का अनुमानित मूल्य $135 मिलियन के करीब है। वह प्रत्येक फिल्म के लिए 6 से 10 करोड़ रुपए और प्रत्येक विज्ञापन अभियान के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए लेते हैं। सैफ अली खान की आय का एक बड़ा हिस्सा विज्ञापन की सूची भी है। वह ले से एशियन पेंट्स, पॉन्ड्स और अलूम जैसी प्रसिद्ध कंपनियां के ब्रांड एम्बेसडर है। वह 5 स्थानों में दुनिया भर में 10 खूबसूरती से डिजाइन किए गए अपार्टमेंट के मालिक है। खान एक राजकुमार के रूप में शानदार सहायक उपकरण लेना पसंद करते हैं। सैफ की युवा बेटी सारा अली खान अब बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक है। सैफ पटौड़ी की पूर्व रियासत के 10वें नवाब भी हैं। नंबर 6, आमिर खान। आमिर खान, जिन्हें उनके प्रशंसकों द्वारा मिस्टर परफेक्शनिस्ट के रूप में जाने जाने वाले एक बॉलीवुड अभिनेता हैं। आमिर खान की कुल संपत्ति 1434 करोड़ रुपए हैं। उन्होंने अपने अभिनय करियर प्रोडक्शन कंपनी, हाई प्रोफाइल सहयोग और ब्रांड एंडोर्समेंट से भारी डॉलर कमाए हैं। 1988 की फिल्म कयामत से कयामत तक में उन्हें मुख्य भूमिका के रूप में प्रसिद्ध और लोकप्रियता मिली है। सत्यमेव जयते की मेजबानी के लिए आमिर खान को प्रति एपिसोड के लिए 3 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। उनका एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसक अनुयायी ट्रैक रिकॉर्ड है, खासकर चीन में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक होने के अलावा आमिर खान 10 सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में से एक है, क्योंकि उनके समर्थन के लिए बड़े विज्ञापन है जिनमें शामिल है कोका कोला, गोदरेज, टाइटन वॉचेस, टाटा स्काई, टोयोटा इनोवा, स्नैपडील, वीवो और मोनाको बिस्कुट। नंबर 5, अक्षय कुमार। श्री अक्षय कुमार, जो उनके प्रशंसकों द्वारा वह खिलाड़ी कुमार या खिलाड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका कुल नेटवर्थ 1870 करोड़ रुपए है। भारतीय सेना के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान है।
और अक्सर शहीद भारतीय सैनिकों के परिवार के लिए बड़ी राशि दान करते हैं। निस्संदेह अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे आमिर अभिनेताओं में शामिल है, जिससे उन्हें प्रति फिल्म पर 40 करोड़ रुपए तक की फीस मिलती है। उन्होंने होंडा मोटरसाइकिल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, मणप्पुरम गोल्ड लोन, थम्स अप, पेप्सी, माइक्रोमैक्स मोबाइल, रेड लेबल चाय और रिलैक्सो फुटवेयर जैसे प्रसिद्ध उत्पादों का समर्थन किया है। उनके पास गोवा के अंजुना बीच में एक बंगले के अलावा मुंबई के वर्ली में एक अपार्टमेंट भी है। नंबर 4, सलमान खान। सलमान खान भारत के टॉप सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले टॉप 5 अभिनेताओं में से एक है। सलमान खान का नेटवर्थ 2304 करोड़ रुपए है। उनकी पहली फिल्म बीवी हो तो ऐसी थी, जिसने वर्ष 1988 में 22 करोड़ की कमाई की थी। सलमान खान न केवल एक अभिनेता है, बल्कि एक सफल निर्माता और एक प्रसिद्ध टीवी व्यक्तित्व भी है। खान ने कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं एक फिल्म निर्माता के रूप में, और 30 साल से अधिक अवधि में फिल्म करियर के दौरान खेलने के लिए 2 फिल्म पुरस्कार जीते हैं। सलमान खान बच्चों की शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों में अपने निवल मूल्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्चा करते हैं। वह अपने नेटवर्थ से बहुत महंगी लग्जरी कारें खरीदते हैं। सलमान खान के घर का नाम गैलेक्सी है। वह बहुत महंगी बाइक और कार के भी शौकीन है। सलमान खान अपने शो बिग बॉस से करोड़ों रुपए कमाते हैं। नंबर 3, ऋतिक रोशन। जब डांसिंग या कॉन्टिनेंटल एक्टिंग की बात होती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो नाम आता है वह कोई और नहीं बल्कि सुपर डांसर और सुपर टैलेंटेड ऋतिक रोशन है। उनका नेटवर्थ 2680 करोड़ रुपए है। अपने अच्छे लुक्स और परफेक्ट बॉडी के कारण ऋतिक रोशन को बॉलीवुड का ग्रीक गॉड माना जाता है। भले ही वह एक अमीर और प्रसिद्ध परिवार में पैदा हुए हैं, पर उनके मेहनत और कौशल से हम सब उन्हें जानते हैं। बॉलीवुड में पहली फिल्म के रूप में उनकी पहली फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार रही है, वही कहो ना प्यार है। उन्होंने फिल्म क्रिश में क्रिश की भूमिका भी निभाई है, जिससे उन्हें भारतीय सिनेमा के पहले सफल आधुनिक सुपर हीरो कहा गया है। उन्होंने पूरे करियर के दौरान कई ब्रांडों का समर्थन किया है, जैसे कोका कोला, पर्वत ओस, डेनियर, निर्मा, ओप्पो मोबाइल, टाटा टाइगर, मैक्रोमैन और इसी तरह कई अन्य विज्ञापन। आपको एक झलक देने के लिए वह रोलैक्स डेड्रेमर और बॉलीवुड में किसी से भी महंगी रोल्स रॉयस जैसे कई शानदार घड़ियों के मालिक है। नंबर 2, अमिताभ। अमिताभ बच्चन, जिन्हें बिग बी कहा जाता है, वह फिल्म जंजीर में अपनी उपस्थिति से प्रसिद्ध अभिनेता बन गए हैं। श्री बच्चन की कुल संपत्ति 2020 में 3066 करोड़ रुपए है। उनकी शुद्ध संपत्ति भी कौन बनेगा करोड़पति में उनके योगदान का प्रतिबिंब है। बिग बी आज सालों से इस शो की मेजबानी कर रहे हैं। 77 वर्षीय सक्रिय रूप से आज भी कई फिल्में, परियोजनाओं और शो का हिस्सा है। 50 से अधिक वर्षों के करियर में बॉलीवुड के शहंशाह ने उद्योग को 200 से अधिक फिल्में दी है। उन्होंने 1970 के दशक में अभिनय करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने अचानक बड़ी लोकप्रियता हासिल की। आज बच्चन का नाम देश भर में लगभग हर घर में बिग बी के नाम से सुनाई देता है, और वह अपनी पहले के वर्ष में निगेटिव भूमिका निभाने के लिए मना करते थे। वह प्रभावी ढंग से कई शैलियों में व्यक्तित्वों को चित्रित कर सकते थे। 2019 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। नंबर 1, शाहरुख खान। शाहरुख खान बॉलीवुड के शीर्ष सबसे अमीर अभिनेता है। उनका नेटवर्थ 5270 करोड़ रुपए है। शाहरुख को बॉलीवुड का किंग खान कहा जाता है। उन्होंने 100 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। वह अपनी लग्जरी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। शाहरुख खान की विल्ला मन्नत दुनिया के शीर्ष 10 लग्जरी विल्ला में से एक है। इसकी कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए है। शाहरुख ने 1992 में फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में शुरुआत की। किंग खान की पहली आमदनी केवल 50 रुपए थी, जो उन्हें फौजी नामक टीवी धारावाहिक में काम करने से मिली थी। लेकिन आज शाहरुख खान के पास दुनिया की सबसे महंगी कारों का संग्रह है। इनमें रोल्स रॉयस, बेंटेल, बुगाटी, बीएमडब्ल्यू आदि जैसे बड़े ब्रांड शामिल है। वह इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सह मालिक है, और ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, कैरेबियन प्रीमियर लीग टीम, पेप्सी, नोकिया, ह्युंडई, डिश टीवी, सजावट, लक्स, टीएजी ह्यूअर और अन्य प्रमुख ब्रांडों का समर्थन किया है। उनके विभिन्न समर्थन और उद्यमिता पहलों के कारण मीडिया आमतौर पर उन्हें
ब्रांड एसआरके के नाम से संबोधित करते हैं। शाहरुख खान एक दिन में लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए अभिनय या विज्ञापनों में प्रदर्शित करने के लिए लेते हैं। भारत में बॉलीवुड के सबसे अमीर अभिनेताओं के वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बताएं कि आपका पसंदीदा अभिनेता नीचे टिप्पणियों में से कौन है। यदि आप पहले से ही ऐसा नहीं करते हैं तो टॉप बेस्ट इंडिया से हमारे अन्य वीडियो देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में सूचित करने के लिए घंटी बजाएं।